स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी मगन चैनल में। दिल्ली में लगातार केजरीवाल की जीत को लेकर केजरीवाल दिल्ली के पब्लिक के लिए बाहुबली बन चुके सोशल मीडिया पर छाया बेबी केजरीवाल। इन ननक केजरीवाल को बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में। दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराने वाले केजरीवाल के साथ सोशल मीडिया पर इस बेबी का केजरीवाल भी छाया हुआ है। एक वर्ष का अभियान तोमर बेबी मफलर मैन बनकर मीडिया का आकर्षक केंद्र बन गया है। चुनाव के बाद जितनी चर्चा केजरीवाल की होती है उतनी चर्चा इस मफलर मैन बेबी की होती है। चुनाव के प्रचार से लेकर जीत तक अभियान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। गोल मटोल चेहरा, मासूम आंखें, नकली मूछें, कान पर मफलर, सिर पर आम पार्टी की टोपी, चश्मा लगाए मेहरूम स्वेटर, लोगों का दिल उनकी ओर खींच रहा है। इनके प्यारे लुभाने अंदाज से सब कायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इन अलग अलग मुद्राओं से फोटो चल रहे हैं तो कहीं छोटी सी मुट्ठी से दुनिया बदलने का दावा पेश कर रहा है। मजे की बात यह है कि छोटी सी उम्र में केजरीवाल की नकल से बड़ी सहजता से कर रहे हैं। जिस तरह से टोपी, मफलर और मूछें बनाई है कोई नहीं कह सकता कि इसकी उम्र एक वर्ष है। अवयान तोमर की मां कहती है कि उन्हें अलग अलग रूपों में अपने बेटे को सजाने की इच्छा है। वह चाहती है कि उनका बेटा केजरीवाल की तरह बने, उनके अंदर भी सारी क्वालिटी आए जो केजरीवाल के अंदर है, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, स्वेंदना। हम उसे अन्ना हजारे की रैली के दौरान ये लेकर आते थे जब ये केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष में आगे आए, तब उसने अपनी बेटी को संघर्ष सौंप कर बनाया। इस बार अभियान को तैयार किया है। दिल्ली में राजनीति जिस तरह उत्साहजनक परिणामों के सामने आए उसके बाद केजरीवाल के साथ छोटे केजरीवाल भी सेलिब्रेट बन गए। इतनी उम्र में अभियान केजरीवाल जैसे दिख रहे हैं, बल्कि सभी केजरीवाल ही कहते हैं। बेबी मफलर मैन अभियान को अपने माता पिता के साथ सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। उसके बाद पूरे परिवार के साथ नाना केजरीवाल अभियान आम आदमी पार्टी ऑफिस पहुंचा और वहां लगातार सुर्खियों में रहा। लोगों नाना केजरीवाल के साथ फोटो खींचते, सेल्फी भी लेते नजर आए। दिलचस्पी की बात यह है कि आप सरकार ने बेबी मफलर मैन अभियान तौर को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है।